कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर ए लिंक। हमने यहाँ पे एक रिजिड लिंक लिया है ये, और उसके अंदर दो पॉइंट लिए हैं, ए और बी पॉइंट लिया है। तो हम इस लिंक की एक एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएंगे। जो वेलोसिटी डायग्राम है पहले के टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, एक ए पॉइंट मान लिया और एक बी पॉइंट मान लिया इस रिजिड लिंक के अंदर। अब ये जो पॉइंट बी है हम मानते हैं ये मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमें मानना है। और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हम मान लेते हैं कि वो होगी ओमेगा, ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी। और जो इसकी एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन डायग्राम हमें तो बनानी है, तो जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेते हैं अल्फा। तो ये चीज़ें हम मान लेते हैं। ओमेगा क्या होगी, रेडियन पर सेकंड में होगी। जो अल्फा एक्सेलरेशन है रेडियन पर सेकंड स्केयर में होगी। तो ये हमारी होगी एक्सेलरेशन इस लिंक ए बी की। अब हमें क्या करना है, अब देखिए जब भी कोई पार्टिकल होता है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल आप ले लीजिए, किसी की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है ऑफ ए पार्टिकल, अब जो कोई एक्सेलरेशन हमें निकालनी है किसी पार्टिकल की, और जो उसकी वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो बोथ इन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, यानी कि चेंज हो बोथ मैग्नीट्यूड के अंदर भी एंड एंड डायरेक्शन के अंदर भी, अगर वो चेंज हो रही है उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है दो कंपोनेंट बनते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से बनते हैं इसके, जब भी किसी पॉइंट की जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी भी क्षण अगर आप लें, तो दो कंपोनेंट आपके पास बनते हैं। एक तो बनता है सेंट्रीपिटल, तो एक को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो इसका एक कंपोनेंट बनेगा, और जिसको आप रेडियल कंपोनेंट भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल और रेडियल कंपोनेंट बनता है। दूसरा बनता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो जो कंपोनेंट हैं ये बनते हैं किस केस के अंदर, अगर जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आपको निकालनी है किसी इंस्टेंट और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के अंदर। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे, सेंट्रीपिटल रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखें सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो क्या होती है, देखिए जब आप किसी, मान लीजिए आपने यहाँ से इसको पकड़ रखा है, एक थ्रेड है ये, इसको थ्रेड मान लीजिए और बी पे एक पत्थर को बांध दिया, तो आपने इसको घुमाया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो इसकी तरफ लगेगी, इस तरह से लगेगी। तो ये जो होगा ये होता है सेंट्रीपिटल कंपोनेंट या फिर रेडियल कंपोनेंट। इसको आप लिख देंगे ए आर, क्योंकि रेडियल से आप इसको डिनोट करेंगे बी ए, जो वेलोसिटी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि एक्सेलरेशन है, सॉरी ए रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ए आर लिख दिया आपने बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस पॉइंट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, ये तो था सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल कंपोनेंट, तो अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या होगा, देखिए ये तो था रेडियल कंपोनेंट या फिर सेंट्रीपिटल, जो आप फोर्स की तरह इसको ले सकते हैं, या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट आप इसको ले सकते हैं, इसे डिनोट कर दिया। टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होगा इसका, बिल्कुल ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इस तरह से आप यहाँ पे दिखाया गया है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये पैरेलल होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स के। तो ये जो मान लीजिए बी की जो वेलोसिटी थी, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं वी बी ए, की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए थी ये, तो बिल्कुल इसके पैरेलल होता है ये, और इसी को आप लिखेंगे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ए टी से डिनोट करेंगे और बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ए एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल कंपोनेंट, जो कि बिल्कुल ये लिंक के पैरेलल है, और ये हो गया जो इस पॉइंट की वेलोसिटी के पैरेलल है। तो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं सेंट्रीपिटल और रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपने ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे डिनोट कर दिए, अब इनकी जो वैल्यू है वो भी आप निकाल सकते हैं। अब जो लिंक ए बी है इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको आपने लिख लिया वी बी ए, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द लिंक ए बी है। देखिए ए बी के ये बिल्कुल क्या है,
परपेंडिकुलर है। अब देखिए जो पॉइंट बी है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, हमने कितनी एंगुलर वेलोसिटी ली थी इसकी, ओमेगा, जो कि रेडियन पर सेकंड में है। तो इसीलिए जो ये रेडियल कंपोनेंट है या फिर सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, जो बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, जो कि हमने ये ए आर बी ए लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर बी ए को इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है ये, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू जो लेंथ ऑफ द लिंक है, लेंथ ऑफ द लिंक कितनी है, ए बी है, तो ये होती है। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो आपका ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वी बी ए बाय ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइड बाय लिंक की जो लेंथ है, तो इसके बराबर होती है। अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी बी ए इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा, ए बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको जब पुट करेंगे तो ओमेगा की जगह आप इसको पुट कर सकते हैं जो आपकी ये वैल्यू है, तो यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि दोनों ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो ए बी है ये इससे कट आउट हो जाएगा, और जो आपका ए रेडियल कंपोनेंट बी ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बी ए डिवाइड बाई ए बी, ये आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी कंपोनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है इनटू जो है लिंक की लेंथ है, तो ये आ जाएगा आपका रेडियल कंपोनेंट। इसी तरह से अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, अब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे तो इसी के बिल्कुल ही पैरेलल था तो हमने ओमेगा का स्क्वायर ले लिया, लेकिन अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन जो ली है वो अल्फा ली है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्फा का, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन है इनटू लिंक की जो लेंथ है, लिंक की लेंथ तो वही रहेगी ए बी, यहाँ पे हमने ओमेगा लिया था क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल था, इसी की डायरेक्शन में था, अब ये इसके परपेंडिकुलर है, जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन हमारे काम आएगी ये अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू ए बी जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल लेंगे और रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये दोनों फॉर्मूला आपके काम आएंगे। अब आपको बनाना है एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, मान लीजिए आप बी से ड्रा करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट मान लीजिए आपने मान लिया ये बी डैश मान लिया, तो एक पॉइंट बी डैश मान लिया। अब आपने क्या किया, इसके बिल्कुल पैरेलल जो बी ए के, इस बी ए के पैरेलल जो कि हमारा रेडियल कंपोनेंट है, यहाँ से बी डैश ए डैश मान लीजिए आप बी डैश एक्स एक्स ले लीजिए, बी डैश एक्स आपने इसके बिल्कुल पैरेलल ले लिया कोई भी लाइन। अब ये जो लाइन क्या दिखाएगी, ये रेडियल कंपोनेंट दिखा रही है, यहाँ पे ये रेडियल कंपोनेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं ये रेडियल कंपोनेंट है ए आर बी ए, यही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रेडियल कंपोनेंट ले लिया, अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट भी ले लीजिए, अब इस एक्स से, अब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इस रेडियल कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन लगा दीजिए जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, और ये बन जाएगा आपका, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ए टी बी ए आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप इन दोनों को मीट करेंगे, इसको और इसको मीट करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला, ये आपकी बन जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब आप इन दोनों को मीट करेंगे, इसको आप पॉइंट मान लीजिए ए डैश, तो एक्स ए डैश आपका ये दिखाया जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था, एक्स बी डैश आपका ये दिखाया जो कि रेडियल कंपोनेंट था, दोनों को मीट करेंगे ए डैश बी डैश मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा ए बी ए, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन डायग्राम आप बना सकते हैं। जो बी डैश ए डैश है इसको हम एक्सेलरेशन इमेज भी बोल देते हैं, जो लिंक ए बी की है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर ए लिंक आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।